क्या मारा? उर्वशी मेरे लिए यहाँ आई है। उसी से पूछ लेते हैं। उर्वशी तुम बताओ तुम किसके लिए यहाँ आई हो? यार सजदे में निगाह रहे तमाम होशो फिराद पेशे बादशाह रहे शाने हिंदुस्तान नूर चमन नाज़े मुगलिया तख्तो ताज पुर नूर पुर जलाल मुगल सल्तनत के वाहिद शहंशाह बादशाह अकबर। हमारी क्या दूसरी शादी हो गई है? नहीं महाराज। फिर इतना घबराए हुए क्यों हो? जवाब हम देते हैं जहां अपना। दरअसल आज के दरबार की कार्रवाई का मुद्दा भी यही है, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले हम ये चाहते हैं कि गांव वालों की आवाज सुनी जाए। क्षमा करे जहां अपना, पर अपनी समस्या कहने से पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या जहां अपना भूत चुड़ैल में विश्वास रखते हैं? हर शादीशुदा आदमी चुड़ैल पर विश्वास करता है, हम भी करते हैं। हम मजाक कर रहे थे, लेकिन हम भूत प्रेत और चुड़ैल पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। ये सब बकवास है। ऐसी एक बकवास आजकल आसपास के बहुत से गांवों में दिखाई दे रही है जहां पर बकवास इतनी भयानक है कि सोचते ही शरीर कांपता है। क्या बकवास है? किस बकवास की बात कर रहे हैं आप? चुड़ैल जहां पर चुड़ैल ने भी देखी है कैसी दिखती है? वाह 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 वाह, बहुत खुश है हम आज, बहुत खुश। तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। ये लो, नहीं रहने दो। भैया बात हंसने की है इसलिए हम हंस रहे हैं, डरे नहीं है हम, हंसी आ रही है हमें। 16वीं सदी के आज के जमाने में कोई होशियार और बुद्धिमान आदमी अगर ऐसी बात सुनेगा तो हंसेगा ही। बीरबल तुम इसके बारे में क्या कहते हो? महाराज हम आपकी बात से 100% सहमत। ऐसी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार तो होता नहीं, थोड़ी सी कल्पना, थोड़ा सा वहम और थोड़ा सा दृष्टि भ्रम ही ऐसी काल्पनिक चीजों को पैदा करती जिनका कोई वास्तविक रूप होता है ना ही स्वरूप। लेकिन झापना बलदेव, अगर कोई चुड़ैल है तो हमारा यह पैगाम उस तक पहुंचा दिया जाए, हम उसे अपने महल में दावत देते हैं। वाह, यहां पर हमसे मिले तभी हमें यकीन होगा इस बकवास बात पर। ये आपने क्या किया जापना? भूत प्रेत चुड़ैल ऐसे नेवते तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। यदि चुड़ैल ने आपका नेवता स्वीकार कर लिया तो क्या? यही तो हम चाहते हैं कि वो स्वीकार करे। हम भी देखना चाहते हैं कौन है ये चुड़ैल जो मुगल सम्राट का सामना करने की हिम्मत रखती है। एक बार फिर से बताना कि चुड़ैल कैसी दिखती है। नहीं डरते हम। Thank you.
महाराज, दिन में तो आप चावल के पानी में सुखाए हुए कपड़ों की तरह कड़क रहते हो, ये आधी रात को मोहब्बत क्यों बरसा रहे हो? वासु, अब हम बहुत थक गए हैं, हम अपने कक्ष में जाकर आराम करते हैं, सुबह हमें कसरत भी करनी है। मुझे पता है, थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। उर्वशी, यहाँ इस वक्त? मुझे पता है, उर्वशी मेरे लिए यहाँ आई है। शकल देखी अपनी, भयंकर आदमी, वो हमारे लिए यहाँ आई है। उसी से पूछ लेते हैं। हाँ, मुझे पता है। उर्वशी, तुम बताओ, तुम किसके लिए यहाँ आई हो? सारे गामा गामा गारे तारे गामा गरे गरे गामा गारे सारे सारे सानी धापस कांचन जी, ये कौन सा राग गा रहे हैं आप, जो राग कम झाग ज्यादा लग रहा है। छोड़िए, इतनी प्यारी नींद आ रही थी हमें, इतने खूबसूरत खूबसूरत सपने देख रहे थे हम, लेकिन आपके इस राग ने ना हमारे सारे सपनों में खलल डाल दिया। रानी साहिबा, क्या हुआ उन्हें? आप क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये बात है। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है। आपने अपनी प्रेमिका को यहाँ बुलाया और जैसे ही हम बाहर आए आपने उन्हें पर्दे के पीछे छुपा दिया। अरे, हमसे भी तो मिलवाइए उन्हें। हम खुद ही मिल लेते हैं। वाह, हाँ तो हम सेव रहे हैं, स्वाद अंगूर का क्यों आ रहा है? मैंने कहा था ना महाराज। क्या कहा था आपने? आपका नेता स्वीकार कर ली ने, उस चुड़ैल ने आ गई ना चुड़ैल इस महल में। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब आप लोगों का वहम है। वहम है, वहम है महाराज। और हमने जो अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा, उसका क्या? आपने रात को अपने आप को आईने के सामने बिना श्रृंगार के देख लिया होगा। देखिए, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, गलत फहमियां हो जाती हैं। गलत फहमी है ये महाराज, इस महल में चुड़ैल है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है महाराज। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या, इतने सारे लोगों को दीवारों में चुनवा दिया, अब एक एक करके निकल रहे हैं। पहले तो ये चुड़ैल निकली, अब न जाने चुड़ैल के बाद और कितने भूत प्रेत निकलने वाले हैं। अरे देखिए, हम आप चुड़ैल है अब्बा हुजूर, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, देखते ही चीख निकल गई चुड़ैल की तुम्हें देखकर। अरे हमारी चीख निकल गई चुड़ैल को देखकर। ओ हो 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 हो, छोड़िए। क्या छोड़े? किस किस्से को छोड़िए,
इस किस्से से हमें रात का वो मंजर याद आता है। उफ, कितनी भयानक चुड़ैल थी, बिल्कुल महारानी जैसी। क्या? मेरा मतलब है कि आपने जैसी देखी थी बिल्कुल वैसी। देखिए हमारे हाथ, देखिए अब तक कितने कांप रहे हैं, देखिए देखिए छूकर देखिए, देखिए ना। अब बहुत दिनों तक इस गले से कोई राग निकल नहीं पाएंगे, लगता नहीं कि जिंदगी भर कभी भी चैन से सो पाएंगे। बीरबल, इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? वही ख्याल है जो आपका है महाराज, पर इतने लोगों को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता ना। कुछ तो है जो इन सब ने देखा है, कुछ ऐसा जो कुछ और ही। हम नहीं मानते, बादशाह हैं हम, मुल्क चलाते हैं, सरमाया है अपनी आवाम के। अगर ऐसी बेतुकी बातों पर हम यकीन करने लग गए तो हमारी आवाम का क्या होगा? हम ऐसी बात पर तब भी यकीन करेंगे जब हम अपनी आंखों से देखेंगे। तब तक के लिए तखलिया। इन्हें बड़ी जल्दी रहती है। वाह 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 वाह, ये है हमारा वक्त, हमारे सुकून का वक्त। महल की मुश्किलों से दूर, रानी साहिबा के बेतुके तानों से दूर, अपने साथ वक्त बिताने वाला वक्त। कुछ सेब हो जाए। वाह। हाँ तो हम सेब रहे हैं, स्वाद अंगूर का क्यों आ रहा है? डरे नहीं, चुड़ैल हमारे सामने थी लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं डरे। वैसे बलदेव, हमने आपसे पूछा था कि कोई तांत्रिक अगर आपको मिले तो मिला कोई? एक तांत्रिक है जो ये दावे के साथ कहता है कि वो महल के चुड़ैल को हमेशा के लिए भगा देगा। अरे तो उसे लाइए। लेकिन महाराज, उसकी एक दरख्वास्त है। हाँ, क्या दरख्वास्त है उसकी? तांत्रिक का यह कहना है कि अगर वह महल से चुड़ैल को हमेशा के लिए भगा देगा तो इनाम के तौर पर उसे शाही तांत्रिक के खिताब से नवाजा जाए। क्या कहते हो बीरबल? महाराज, हर्ष तो कोई नहीं, अगर वो अपने हुनर में इतना माहिर है तो उसे शाही दरबार की रौनक बनने का पूरा हक है। तो ठीक है, तांत्रिक की दरख्वास्त हमें कबूल है, महल की चुड़ैल को पकड़ने के लिए तांत्रिक को बुलाया जाए। हम डरते नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं डरते, डरते नहीं है हम। खत्म कर दूंगी सबको, छोड़ दो मुझे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जंतम दंतम बुतम, तम तम जंतम बुतम। ओ
आओ चुड़ैल, सामने आओ। आओ 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 चुड़ैल, आओ सामने। तम मंतम भूतम। छोड़ दो। इसे हम जानते हैं इसे। ये वही है, वही है। छोड़ दो मुझे। अब आ गई अकल ठिकाने। हैरान कर रखा था राज परिवार को, अब देख तुझे मैं कहाँ भेजता हूँ। दूर दूर, थोड़ा दूर दूर भेजे, दूर। खत्म कर दूंगी सबको। चल दंडित होने के लिए तैयार हो जा। छोड़ दो। चंतन मंतन भूतम, चंतन मंतन भूतम। छोड़ दो मुझे। मत मारो मुझे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चुड़ैल, ये नकली है। ये क्या बकवास है, असली चुड़ैल ये है। नकली नाटक मत कर। मैं क्यों नाटक करूंगी, मैं असली चुड़ैल हूँ, ये नकली है। मैंने सब घर वालों को डराया, रात भर महल में घूमती रही, और अब जब चुड़ैल लेने का वक्त आ गया तो ये आ गई नकली चुड़ैल। ये नाटक कर रही है, मैं असली चुड़ैल हूँ। ओ, ये सब क्या हो रहा है। अरे एक सांप पकड़ने जाते हैं दूसरा सांप मिल जाता है, ये तो सुना था हमने, लेकिन एक चुड़ैल के साथ दूसरी चुड़ैल मुफ्त, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैं? कितनी बार कहा हमने कि मत चुनवाओ लोगों को दीवारों में, हमारा सुनता कौन है। अरे ये हमारा शौक थोड़ी ना है। अब महाराज आप तो इंसाफ के देवता हो, अब आप ही बताओ हम दोनों में असली चुड़ैल कौन। हमारा आप फैसला कीजिए, असली चुड़ैल कौन है। ये हमारा काम थोड़ी है, अब बादशाह अकबर के चुड़ैलों की अदालत चलाएंगे। महाराज मैं असली चुड़ैल हूँ, ये देखिए मेरे लंबे लंबे नाखून। नाखून मेरे पास भी, देखिए मेरे लंबे लंबे नाखून। बस करो। महाराज ये देखिए मेरे नुकीले दांत। महाराज मेरे दांत देखिए। महाराज ये देखिए मेरा डरावना चेहरा। महाराज इससे डरावना चेहरा तो मेरा। महाराज ये देखिए मेरे काले भयानक बाल। अरे जाना आई बड़ी बाल वाली, इसे कहते भयानक बाल, ये देखिए। बीरबल तुम और ये लड़की। महाराज महाराज हम तो ये पहले ही समझ गए थे कि ये किसी इंसान का ही किया था, क्योंकि भूत प्रेत जैसी कोई चीज तो इस दुनिया में होती नहीं। हमने पहले ही कहा था। मुश्किल तो इस बात की थी कि कैसे उस इंसान को पकड़ा जाए और सबके सामने उसका पर्दाफाश किया जाए, पर हमारी ये मुश्किल आपने आसान कर दी महाराज, इस तांत्रिक को यहां बुलाकर। उसके बाद हमने भी ये खेल रचा और नतीजा आपके सामने है महाराज। पर ये चुड़ैल होने का नाटक क्यों कर रही थी। आप कहां चल दिए तांत्रिक महोदय। महाराज ये सारा खेल इन्हीं का खेला हुआ है, इन्हीं के कहने पर ये लड़की चुड़ैल बनी। मैं सही कह रहा हूं ना तांत्रिक महोदय। महाराज महाराज सभा महाराज सभा। शाही तांत्रिक बनने के लिए सब किया था मैंने। हमारे मुल्क के लोग बहुत ही अंधविश्वासी है, शाही तांत्रिक बनके उन्हीं अंधविश्वासी लोगों का धन हटना चाहता था।
ये औरत मेरी बीवी है जापना। मेरे कहने पर चुड़ैल का नाटक कर रही थी जापना, हमें माफ कर दीजिए जापना। सिपाहियों, इन दोनों को कैदखाने में डाल दो और 100-100 कोड़े मारे जाए इन्हें। क्षमा जापना। वाह वाह बीरबल, वाह वाह बीरबल। हम हमेशा कहते हैं और आज भी कहना चाहेंगे, अगर इस दरबार की शान कोई है तो वो है बीरबल। बीरबल, हमें तुम पर फख्र है। पर दुख की बात तो यह महाराज कि इस खेल के लिए हमें अपनी मूछें मुड़वानी पड़ी। कोई बात नहीं, घर की खेती है। हमारा मतलब है कि इस चुड़ैल के भेस में आप बहुत ही हसीन लग रहे हैं, क्यों नानी साहिबा? हाँ, ये क्या चुड़ैल बने, अगर हम चुड़ैल बनते तो इनसे भी हसीन लगते। अरे आपको बनने की क्या जरूरत है, आप तो पहले से ही क्या महारानी है, और वो भी सिर्फ इस रियासत की नहीं हमारे दिल की भी। तालियां तालियां।